कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के इस बार का जो रिजल्ट आया था, आप सभी को पता है कि रिजल्ट बहुत ही खराब रहा है। रिजल्ट के अगर हम बात करें, सीबीएसई ने जिस प्रकार से वादा किया था कि भी हम इस तरह से रिजल्ट जारी करेंगे 50-50% की वेटेज के आधार पर, बट रिजल्ट जो आया है वो 30-70 वेटेज के आधार पर तय किया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे नहीं लाखों बच्चों का कंपार्टमेंट दे दिया गया है। जिन बच्चों को फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उनको सेकेंड टर्म एग्जाम में बहुत कम नंबर दिया गया, और ऐसे में उनका जो रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खराब चला गया। कॉपी चेकिंग बहुत ही गलत तरीके से की गई, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर दोस्तों हम शुरुआत से काम कर रहे हैं ताकि जो रिजल्ट है, जो बच्चों का रिजल्ट खराब किया गया है, जिस वजह से बच्चों का कैरियर दांव पर लग चुका है, उस रिजल्ट को सही किया जा सके। और इसको लेकर हम बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो PIL दाखिल करना हो हाई कोर्ट में, CBSE को लेटर लिखना हो, जनहित याचिका फाइल करना हो, सारी चीज़ें हमने किया है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि 17 तारीख को जो है हाई कोर्ट में हेयरिंग होने वाली, बट आज मैं अगर आपको बताऊं तो हाई कोर्ट में जो हेयरिंग होने वाली थी उसमें थोड़ा सा डिले हो गया, डेट को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि आप सभी को पता बहुत सारे PIL पहले से ही दोस्तों वहाँ पर पेंडिंग है, तो एक और PIL के लिए आगे डेट फाइल जो है आगे बढ़ा दिया गया है। अब हमें जो नई डेट मिलने वाली दोस्तों वो उसके बारे में कल पता चल जाएगी, नई डेट क्या है, या 22 तारीख हो सकती है या 23 तारीख को नई डेट हमें मिल सकती है। और ऐसे में CBSE द्वारा जो है क्लास 10 क्लास 12 के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है कंपार्टमेंट वाले बच्चों का, जिन्होंने कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर दिया था। अगर आपने आपका एडमिट कार्ड आ गया तो आप एग्जाम जरूर दीजिए, यहाँ पर आपको जरा भी संकोच नहीं करना कि एग्जाम नहीं देना। अगर आपने फॉर्म भरा हुआ तो आपको जरूर एग्जाम देना चाहिए और अपने आपको प्रूफ करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, हम अपने तरफ से काम कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को न्याय दिलाया जा सके। मेरे पास दोस्तों यकीन मानिए कि बहुत सारे पेरेंट्स सुबह भी आए थे और उन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा था फर्स्ट टर्म, लेकिन सेकेंड टर्म का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है, क्योंकि उनकी जो कॉपी चेक की गई कॉपी सही से चेक नहीं हुई, और उनकी सभी जो उन्होंने कॉपी मंगाई थी वो उसकी फोटो कॉपी मेरे पास है और उसको खुद मैंने चेक किया पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का, जिसमें एक भी गलती नहीं है, ठीक है, एक भी गलती नहीं दोस्तों। बट फिर भी जो जहां कॉपी चेक की गई उसमें उन्होंने को 30 नंबर दिए, 28 नंबर दिए, जबकि वहां पर पूरे 40 में से 40 नंबर बुरे बनते थे। क्योंकि दोस्तों मैं खुद पॉलिटिकल साइंस है MPhil और PhD में कर रहा हूं, तो मैंने खुद सारी चीज़ें खुद चेक की कि एक भी गलती नहीं, सारी चीज़ें आंसर किसी मैच खा रही हैं, फिर भी वहाँ पर नंबर कम दे दिया गया। तो यानी चेकिंग करने बहुत सारी खामियां हैं और उसको लेकर भी हम लगातार काम करेंगे किस प्रकार से जो चेकिंग की, हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं। बट यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अब तो एडमिट कार्ड आ चुका है, अब क्या होगा। मानता हूं कि एडमिट कार्ड आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है CBSE की, तो भाई अपना जो तरीका वो तो करेगी, एडमिट कार्ड जारी करेगी, उसको आपको पेपर भी देना होगा और पेपर दीजिए और अपने आपको प्रूफ कीजिए। अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हम केस जीत जाते हैं, अगर केस हमारे फेवर में आ जाता है तो सभी बच्चों का भला होगा, नो डाउट। चाहे वो बच्चा हमें सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अगर केस हमारे फेवर में आता है, अगर खुदा ना खास्ता अगर हम केस जीत जाते हैं, 1% भी अगर हमारे फेवर में केस जाता है, तो इससे जो है सभी बच्चों को फ़ायदा होने वाला है, हर एक बच्चा इसके लिए खुश होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो जिस तरह से हम फाइट कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको भी अपने काम करना है दोस्तों, अपना एग्ज़ाम दीजिए। और एडमिट कार्ड आ चुका है, यहाँ पर ये बात हो जाती है। दूसरी बात, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर कंपार्टमेंट में हमें कितने नंबर लाना है, सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप कंपार्टमेंट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपका सिलेबस सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में जो था वही सिलेबस आएगा, 40 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और आपको सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप कंपार्टमेंट की परीक्षा दे रहे हैं और सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में अगर आपके 13 नंबर आ जाते हैं, कंपार्टमेंट की परीक्षा में 13 से 15 नंबर अगर आपके आते हैं, तो आप 100% पास माने जाएंगे, क्योंकि इसी 13 नंबर का दोस्तों जो है 13 का 70% आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 13 से लेकर 15 नंबर तक के बीच आते हैं तो आप डेफिनेटली पास होंगे गारंटी के साथ। तो आपको अपने परीक्षा पर फोकस करना है और हमें जो नेक्स्ट डेट मिलने वाली है, जी हाँ, नेक्स्ट डेट जो मिलने वाली है हेयरिंग की, वो 22 तारीख भी हो सकती है, 23 तारीख भी हो सकती है। जैसे आप सभी को पता है कि अभी जन्माष्टमी है, फिर सेकेंड सैटरडे है, फिर संडे है, फिर यानी छुट्टी, 3-4 दिन लगातार छुट्टी है। तो हमें जो नेक्स्ट हेयरिंग मिलेगी वो शायद 22 से 23 तारीख हो सकती है। और जो भी अपडेट होगा दोस्तों मैं आप लोगों को लगातार देता रहूँगा, आप लोग निश्चिंत रहिए दोस्तों, हम पूरे प्रयास कर रहे हैं
और जैसे कि मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया था दोस्तों कि हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, PIL की मैंने आपको लिस्ट भी दिखा दी थी। इसके अलावा भोपाल के कुछ जो बच्चियां हैं, 15 से 16 बच्चियों ने, माफ़ कीजिए, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उन्होंने भी CBSE को लेटर लिखा है पेरेंट्स के साइन के माध्यम से। वो चीज़ में आपको अभी कल ही बच्चों को फ़ोन आया था, उसका उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया है, साइट भेज दी जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर CBSE को लेटर लिखा है। और लेटर लिखने के बाद दोस्तों वो खुद बच्चे वहाँ पर छत्तीसगढ़ से भोपाल आए, भोपाल में जो CBSE रीजनल ऑफिस है वहाँ पर उन्होंने लेटर को सबमिट किया है। तो बच्चे अपने स्तर पे भी लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, तो इस तरह से आप भी प्रयास कर सकते हैं। और मैं उन सभी लोगों को एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूं कि दोस्तों कि कभी कभी न्याय मिलने में देर हो जाती है, बट अगर न्याय मिलता है तो उसे सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो हम प्रयासरत हैं आप सभी को न्याय दिलाने के लिए, और इसमें हम अपना 100% लगा रहे हैं, 100% से ज़्यादा बन सकता वो भी हम दोस्तों कर, जितना हमसे हो सकता उससे कई गुना हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आप सभी बच्चों को जस्टिस मिल सकें। और इसके लिए दोस्तों हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कभी हमें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे आप जिस भी तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। और आपको हिम्मत नहीं हारनी है, मैं एक बार फिर कह देता हूँ, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप अपने 100% अपने एग्ज़ाम में दीजिए अगर आपने कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।